पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा प्रसाद को ग्रहण करने के पश्चात राजा दशरथ की तीनों रानियां कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या गर्भवती हुई और ये सामान्य माताएं नहीं हैं, इसलिए इनके कोख में, इनके गर्भ में सामान्य बालक भी नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो पूरी प्रकृति अब तो मुस्कुराने लगी है, पूरी धरती भार रहित होने लगी है। ऐसा लगता है कि कोई जन जन का कल्याण करने के लिए इस धरती पर प्रकट होने वाला है और ऐसा समय आया। नौमी तिथि, नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि
अवसर आया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरप्रीता मध्य दिवस अति शीत नघामा पावन काल लोक विश्रामा। ऐसा लगता है कि पूरी प्रकृति स्वागत कर रही है इस दिव्य आत्मा का। कोई प्रकट होने वाला है जिसके लिए पुष्प मुस्कुरा रहे हैं, खिल रहे हैं, सुगंध बांट रहे हैं। यज्ञादि शुभ कर्म शुरू हो गए हैं, माताओं के मन हर्षित हो गए हैं। ऐसा लगता है कि पूरा अयोध्या पूरी पूरा नगर खिल उठा है, झूम उठा है, सब प्रसन्न है। महाराज दशरथ को प्रतीक्षा है, रानियों के मन प्रफुल्लित हो रहे हैं। और जब कोई दिव्य आत्मा कोख में आती है तो माँ को बड़ी प्रसन्नता होती है, शुभ संकेत मिलते हैं। और कोई धुंधकारी जैसा कोख में आता है तो माँ को कष्ट ही देता है, कोख से ही कष्ट देना शुरू कर देते हैं। आज माँ कौशल्या कहके सुमित्रा तीनों के मन प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई शुभ संकेत मिलने वाला है, कोई शुभ सूचना मिलने वाली है। महाराज दशरथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। इधर उधर हलचल हो रही है मन में, इधर उधर घूम रहे हैं कि कोई तो आकर के कहे कि तुम पिता बन गए, प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। और थोड़ी देर बाद एक दासी दौड़ करके आई और कहा, महाराज दशरथ को बधाई हो, आपकी रानी कौशल्या ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हो गए। और इतनी प्रसन्नता कब से प्रतीक्षा। थोड़ी देर बाद दूसरी दासी दौड़ कर आई, महाराज दशरथ को बधाई हो, आपकी रानी कैकेयी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया है। बोलिए भरत लाल की। अब तो ये खुशी दुगना हो गई। और थोड़ी ही देर बाद तीसरी दासी भी आई, महाराज दशरथ को बधाई हो, आपकी रानी सुमित्रा ने दो सुंदर बालकों को जन्म दिया है। बोलिए लखन लाल की, बोलिए शत्रुघ्न लाल की। ठाकुर जी के प्राकट्य दिवस पर प्रभु श्री राम जी, लखन, भरत, शत्रुघ्न सबके आगमन पर कम से कम आप राम जी का गुणगान तो कर ही सकते हो, तो सब एक साथ कहेंगे।